नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्दीवुड। आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि है शोल्डर स्ट्रेचिंग या शोल्डर मोबिलिटी के बारे में। जैसा कि हम सब देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर सर्दियाँ आती हैं और काफ़ी देर तक एक ही पोस्चर में रहने से भी हमारे शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, शोल्डर के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। इसी कंसर्न को लेते हुए हमने इस वीडियो को तैयार किया है जो कि है शोल्डर मोबिलिटी के बारे में। इस वीडियो के द्वारा हमने कुछ ऐसे शोल्डर स्ट्रेचेस आपके सामने दिखाएंगे जिसको करके ना केवल आपके शोल्डर के अंदर स्ट्रेंथनिंग आएगी बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी भी बढ़ेगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद गौरव एंड मंजू। शोल्डर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज में अपने शोल्डर्स को आगे से पीछे की ओर रोल करेंगे और फिर पीछे से आगे की तरफ फ्रंट में रोल करेंगे। अब दोनों हाथों को स्ट्रेट सामने की तरफ रखेंगे, अपनी फिस्ट को टाइट रखेंगे, बिना कोहनी को मोड़े अपने हाथों को स्ट्रेट करते हुए क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। यही एक्सरसाइज अब बैक टू फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी कोहनी बेंड ना हो, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल लूज रखेंगे और इसको भी हम दो बार करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे, अपनी हथेलियों को मोड़कर अपने शोल्डर पर रखेंगे, इनहेल करते हुए अपने एल्बोस को ऊपर और फिर नीचे की तरफ लेके जाएंगे, अपने शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर और नीचे की तरफ पुश करेंगे। अब वापस एल्बो को सेंटर में लेके आएंगे, अपनी एल्बोस को टच करेंगे और फिर चेस्ट ओपन करते हुए एल्बोस को पीछे की तरफ स्क्वीज करेंगे। अगेन अपने शोल्डर ब्लेड्स पर फोकस करेंगे, इनहेल करते हुए चेस्ट आउट, एक्सहेल करते हुए वापस धीरे से हाथ नीचे की ओर। अब अपने पैरों में शोल्डर लेवल जितना गैप देंगे, अपने दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए 90 डिग्री के एंगल पर लेकर आएंगे। अब अपनी एल्बो से अपने फोरआर्म को नीचे और ऊपर की तरफ नीचे लाएंगे और ऊपर की तरफ रखेंगे। आपकी एल्बोज आपके शोल्डर लेवल पर रहे। अब इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, अपने शोल्डर्स को अपने शोल्डर ब्लेड्स को टाइट रखेंगे और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे अपने दोनों आर्म्स को। अब अपने राइट हैंड को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की एल्बो को पकड़ते हुए पुश करेंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हेड स्ट्रेट रहे, फोकस ऑन योर शोल्डर। नाउ दिस टाइम हैंड्स डाउन, नाउ लेफ्ट आर्म स्ट्रेट। अपने राइट आर्म से अपने लेफ्ट आर्म को पकड़ेंगे और उसको राइट साइड लेकर होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड के लिए, फिर वापस आएंगे और धीरे से रिलैक्स। अब अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट शोल्डर के पीछे लेकर जाएंगे और लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को पकड़कर अपने शोल्डर को ढीला छोड़ते हुए उसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब अपने दोनों हाथों को वापस नीचे लाएंगे, अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के पीछे रखेंगे। अपने राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो को पकड़कर नीचे की तरफ पुश करेंगे, अपने शोल्डर को लूज रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल और एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।